हाँ जी बेटा, तो एक्स्ट्रा इनिंग के अगले एडिशन में आपका वेलकम है। आज बेटा जी जो डिस्कशन होनी है जिस मैच के बारे में, वो है जी मई 2019 का कॉस्ट का पेपर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीए इंटर न्यू कोर्स। तो भाई आपने ये देखा कि जो पहला मैच था दैट इज मई 2018, मतलब कि इससे एक साल पहले, बहुत फ्लैट था वो, मतलब कि काफ़ी फ्लैट पेपर था। अच्छी विकेट थी, आप अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते थे। देन नवंबर 18 लेवल थोड़ा सा ऊपर, अच्छा फिर भी, मतलब कि फिर भी मैनेजेबल। मई 19 में भी आपको हल्का सा लगेगा कि सर लेवल और ऊपर है। लियो सर एनालिसिस शुरू करवा दिया जाए बच्चों को। पहला सवाल कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, कई बार टोन सेट करता है ये पेपर की। हमेशा आपको समझाया गया कि अगर आपको लगे इसके सारे पार्ट आपको आते हैं अच्छे से, अगर आपको दो पार्ट में भी कंफ्यूजन लगे तो प्लीज इसे लास्ट में किया कीजिए, कंपलसरी है। मुझे पता है मेरे भाई करके आना है, बट यार मैंने पहले टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे पहले इजी इजी क्वेश्चन करने हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन कुछ लोगों को दिक्कत में डाल सकता है, तो आओ इसके एनालिसिस शुरू करें। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स 8 आवर्स पर डे, 5 डेज पर वीक, मैक्सिमम कैपेसिटी 60 बंदे की आपके पास है, ठीक है जी। 40 घंटे एक बंदा आपका काम कर सकता, मैक्सिमम आपके पास 60 बंदे की कैपेसिटी है। एक्चुअल वर्किंग पर आप लगता है ये कैपेसिटी यूज नहीं कर रहे हैं, 50 इंप्लॉयज ही आपने रखे हैं। एक्चुअल आर एक्सपेक्टेड टू वर्क पर 4 वीक पीरियड, 4 हफ्ते में आप इतना सोच रहे हैं कि इतने घंटे काम हो पाएगा। स्टैंडर्ड आर एक्सपेक्टेड टू वर्क पर वो 4 वीक पीरियड 9600, फिर एक्चुअल आवर्स वर्कड, देन स्टैंडर्ड आवर्स अर्न। अब स्टैंडर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड एक वर्ड आया, स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड एक वर्ड आया, समझते हैं कि क्या है। पहले देख लें करना क्या है। रिलेटेड पीरियड 4 हफ्ते का है, वो तो चलो पढ़ते पढ़ते भी लग ही गया कि बार बार तूने बात 4 हफ्ते की है। कैलकुलेट दी फॉलोइंग रेशियो, पहले है एफिशिएंसी रेशियो। अब एफिशिएंसी रेशियो जो टाइम की टर्म्स में निकालनी हो तो ये हम लेबर के चैप्टर में काफी सीखते हैं। दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, जो आपने बनाया वो कितनी देर में बनना चाहिए था, डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम वर्क। जितना टाइम आप स्टैंडर्ड से कम लोगे उतनी अच्छी आपकी एफिशिएंसी रेशियो आएगी। एक्टिविटी रेशियो अगर आउटपुट की टर्म में निकालनी हो तो ये होता है एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। जैसे किसी ने सोचा 500 यूनिट बनाएगा, बजट पीरियड में बनाए 400, तो एक्टिविटी आती थी 80%। पर अगर इसे टाइम में लाना हो तो इसका भी स्टैंडर्ड टाइम लेना होगा और इसका भी स्टैंडर्ड टाइम, तो दिस विल बिकम स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। और जब आप बजटेड आउटपुट के स्टैंडर्ड टाइम की बात करने लगते हैं, देन बजटेड आउटपुट का स्टैंडर्ड टाइम का मतलब और कुछ नहीं होता सर, उसका मतलब बजटेड आवर्स हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें बजटेड आवर्स वगैरह ये सब अच्छे प्यार से समझना। इंस्टीट्यूट ने काफ़ी अच्छा सोल्यूशन इधर मेरे अकॉर्डिंग तो बना रखा है, और ये बच्चा खुद भी समझदार हो तो इस सोल्यूशन को खुद भी समझ ही सकता है शायद। पहले उन्होंने वर्किंग नोट नंबर जो 1 बनाया, यहाँ हम सोल्यूशन फाइल में आ चुके हैं बेटा। वर्किंग नोट नंबर 1 जो बनाया गया, इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी को देखते हैं। ये लिखा है 60 इंप्लॉई, 8 आवर्स, 5 डेज अ वीक, 4 वीक्स। वही बात, 40 घंटे मैंने बोला था, 60 बंदे आप बिठा सकते हैं मैक्सिमम। ये 2400 का एक हफ्ता हो गया, इंटू 4 कर लें तो 9600 हो जाता। ये तो मैक्सिमम कैपेसिटी है आपकी, पर आपने तो ऐसा प्लानिंग किया ही नहीं। आपने तो मैक्सिमम कैपेसिटी थी 60 इंप्लॉयज़ की, एक्चुअल वर्किंग तो आपकी 50 इंप्लॉयज़ ही हो रही है, तो बजटेड आवर्स इसके अकॉर्डिंग निकलेंगे, 50 × 8 × 5 × 4। नाउ दिस इज दी बजटेड आवर्स। एक्चुअल आवर्स गिवन है, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट बड़े आसानी से लिख लिया भाई साहब ने, थोड़ा बच्चे दिक्कत में आ सकते हैं कहाँ से ले आए। स्टैंडर्ड आर अर्नड, स्टैंडर्ड आर अर्नड इन 4 वीक पीरियड। क्लासेस में मैं इसको एक और नाम भी रखता होता था, आपको याद कराता हूँ। जैसे कई बार हम बात करते थे स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड, बात करते थे बेटा ऐसी, याद कराता हूँ। जैसे काम को ऐसे तो मेजर किया ही जाता है कि एक्चुअल आउटपुट, बंदे ने 500 यूनिट बनाए, ये तो उसका एक्चुअल आउटपुट है आउटपुट की टर्म में 500 यूनिट। पर अगर मैंने इसके स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस निकालने हो कि कितने घंटे की एफर्ट है ये, अब उसने जो लगाया वो छोड़ो, इसके लिए मैं ये पता करूंगा कि 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम बताओ। सर 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 2 आवर्स है, तो 500 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम क्या बनेगा सर, 1000 आवर्स।
दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड। अब अगर ये बंदे ने 1000 घंटे की एफर्ट 900 घंटे में कर दी हो तो ऑब्वियस है बिना कोई फॉर्मूला लगाए उसकी एफिशिएंसी 100% से ऊपर लग रही है। दोबारा देखो, स्टैंडर्ड टाइम फॉर वन यूनिट इज 2 आवर्स, बंदे ने बनाए 500 यूनिट, 500 यूनिट इंटू 2 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना 1000, बंदा ये बना कितने में गया 900 में, एफिशिएंसी आ जाएगी। अब तुम्हारे सवाल में 500 यूनिट वाली फैसिलिटी तो दे नहीं रखी, टाइम में ही चलाना क्वेश्चन को, यूनिट तो वहां है ही नहीं। स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन 4 वीक पीरियड, दिस मींस दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो भैया ये इन्होंने बना कितनी देर में दिया, सर एक्चुअल आवर वर्क तो सिर्फ 7500 है। देखिए देखिए ये फिर एफिशिएंसी तो जबरदस्त है, बंदे ने 8800 आवर्स का काम 7500 आवर्स में खत्म, एफिशिएंसी 100% से ज्यादा भाई लोग, 100% से ज्यादा। अब हमें चाहिए एक्टिविटी रेशो, एक्टिविटी रेशो मैं यहाँ आपको इस शीट पे ले जाऊँ। एक्टिविटी रेशो होती है एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय वेस्टेड आउटपुट। क्लास में मैंने तुम्हें क्या क्या एग्जाम्पल दिए सर, वो एग्जाम्पल इस वक्त भी दिमाग में चल रहे हैं। जब नोटबंदी हुई थी तो कहते थे कि एक्टिविटी लेवल लो हो गया, जितना सोच रखा था उन 2-3 महीनों में बनाना है वो बना ही नहीं क्योंकि पैसा ही नहीं था। अब देखो ये कोरोना वायरस बहुत मंदी जा रही है बेटा, बहुत बुरा हो रहा है, सब प्रे करो कि सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, समझे कि नहीं। अब भी तो एक्टिविटी लेवल लो हो जाएगा, अब कंपनियों ने क्या क्या सोच रखा होगा, मार्च में ये बनाएंगे, अप्रैल में ये बनाएंगे। तो एक्टिविटी रेशियो इज बेसिकली एक्चुअल आउटपुट वर्सेस बजटेड आउटपुट। अगर एक्टिविटी रेशियो 100% आ रही है तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपने बजट किया वो आपने अटेन किया। तो ऐसे तो ये बहुत आसान है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड, बट सेम थिंग जब आर्स में चली जाएगी तो इसका भी स्टैंडर्ड टाइम ले लो बेटा, इसका भी स्टैंडर्ड टाइम ले लो। तो क्या चाहिए होगा, सर स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, नीचे स्टैंडर्ड टाइम बजटेड आउटपुट का, और जो स्टैंडर्ड टाइम बजटेड आउटपुट का होता है वो बजटेड आर्स होता है। तो 8800 मेरा स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट है, नीचे बजटेड आउटपुट का स्टैंडर्ड टाइम मतलब बजटेड आवर्स, एक्टिविटी रेशियो 110% आई है। देखो और समझना, तो ऐसे समझा देता हूँ, किसी ने मान लो 400 यूनिट बनाए, अब बजटेड यूनिट उसके हैं 500, तो उसकी एक्टिविटी रेशियो लो लगेगी, यस सर लो लगेगी, कितनी 80%। ये यूनिट में समझ नहीं, बहुत ही आसान है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड। टाइम में समझने वक्त थोड़ी दिक्कत देती है, टाइम में समझने वक्त थोड़ा टाइम लेती है, ऐसे कह लो। इन दोनों को, इन यूनिट्स को टाइम में एक्सप्रेस कर लो। सपोज वन यूनिट का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 2 आवर्स है, तो 400 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम हो गया 800 घंटे, 500 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम हो गया 1000 घंटे। लो सर यही तो किया, अब इस पे 2 घंटे मल्टीप्लाई किए, इसे कहा स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, इससे 2 घंटे। सर बजटेड आउटपुट को टाइम स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या बोलोगे, सर बजटेड आवर्स, डन। और क्या पूछा, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। लो सर, सर कैपेसिटी तो आपके पास 9600 की है, पर आपने बजट ही बहुत थोड़े का बनाया, कितने का बनाया 8000 का, तो ये आपकी कैपेसिटी यूसेज रेशियो। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल आवर्स वर्कड, एक्चुअल आवर वर्कड 7500 जो कि क्वेश्चन में सामने है, डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स, तो ये आपकी कैपेसिटी यूसेज रेशियो आ गई। एक्चुअल यूसेज और बजटेड कैपेसिटी रेशियो, ओहो हो भारी भरकम वर्डिंग भैया, इन्होंने बजट बनाया था कि हम 8000 घंटे तो काम करेंगे, उसमें से काम किया 7500, तो ये रेशियो भी इनकी 100% से नीचे। तो पहला क्वेश्चन तो सर 5-स्टार रेटिंग वाला था, अच्छा सवाल था, तो आप लोगों को थोड़ा सा तंग कर सकता है जो आप ध्यान नहीं देते। तो अगला कंपल्सरी क्वेश्चन, मिस्टर जीबा प्राइवेट लिमिटेड अलॉटेड अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 40 आवर फॉर अ जॉब, रेट इज 75, टाइम टेकन इज 30 आवर्स। पप्पू सवाल है बिल्कुल ही, खालसे लगाओ, रोन लगाओ, टाइम वेजेस लगाओ, पीस वेजेस लगाओ, लाओ एक बार देख लो भाई क्या कर रखा, समझाना तो बनता नहीं वैसे भाई, वही टाइम टेकन इनटू दिस, हालसे में 10 घंटे 40 घंटे वाला 30 में ख़त्म किया, आधे का बोनस दे दो, रोहन बाबा बुला लो उनका भी हो गया, फिर टाइम वेजेस में टाइम टेकन इनटू रेट। और आपको याद होगा कि भाई जो हमारा पीस रेट सिस्टम होता है, अगर उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन ना हो तो वेजेस फॉर द स्टैंडर्ड टाइम ही पे होती हैं, याद है ना ये वाला, बहुत ज़रूरी है, क्लास में पूरी डेरिवेशन भी की थी इसकी। एमरसन बाबा आ गए, जो अभी भी जिंदा,
नए सिलेबस में ज़्यादातर जड़े प्लान हैं वो हटा दिए गए हैं, आपको पता, समझ रहे कि नहीं। अब एमर्सन में एफिशिएंसी निकाली गई। अब इसमें एमर्सन में क्या होता होता है बेटा, ये 100 टच करते ही आपको 20% तो बोनस दे देते हैं, अगर 100% आपकी एफिशिएंसी है, 100 से जितना ऊपर जाते हो उतने परसेंट और बोनस। पर बोनस देते किस पे सर? टाइम वेजेस पे। तो इंस्टीट्यूट की प्रेजेंटेशन थोड़ी आप समझ सकते हैं जिस हिसाब से भी है, टाइम वेजेस निकाल के 30 आवर्स इंटू टाइम रेट करके विच इज 75, उसके ऊपर आप इतना बोनस दे दो तो भी आ जाएगा। इंस्टीट्यूट 153.33 कर रहा है वो भी ठीक है, ये आप कर सकते हैं सर, इस पर डिस्कशन ना करें, वीडियो लंबा हो जाता है और कुछ नहीं होता इससे। सी पॉइंट ये सर ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट के चैप्टर में से बहुत इजी सवाल है, हमारी असाइनमेंट में बॉमेक्स के नाम से ही अवेलेबल है। तो यहाँ ये कहता है जी, कंपनी इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉमेक्स इन द कोर्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग, अ बाय प्रोडक्ट क्रोमेक्स इज प्रोड्यूस्ड। सर असाइनमेंट में बाय प्रोडक्ट का नाम ब्रूसिल है, यहाँ बॉमेक्स के साथ क्रोमेक्स आ गया जिसकी फर्दर प्रोसेसिंग के बाद कमर्शियल वैल्यू है। अब मंथ ऑफ अप्रैल 19 के लिए ये डाटा दिया होगा, ये आपके कुछ ज्वाइंट एक्सपेंसेस हैं सर, देख सकते हैं आप अच्छे से, ये आपके कुछ सेपरेट एक्सपेंसेस हैं, देख सकते हैं सर ये भी अच्छे से। सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ क्रोमेक्स पे, और उसके कितने यूनिट है ये भी बताया हुआ। फैक्ट्री यूजेज द NRV मेथड फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट टू द बाय प्रोडक्ट। सर बहुत ज़्यादा आसान है, क्रोमेक्स उठाओ, क्रोमेक्स के ये यूनिट उठाओ, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो, उसका प्रॉफिट उठा दो, उसकी FPC उठा दो, उसका शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगा। लो देखो ये क्रोमेक्स उठाया इसने, ये इसने FPC उठा दी, पोस्ट स्प्लिट कॉस्ट जिसे मैं FPC कहता हूँ, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, प्रॉफिट उठा दिया। अब एक प्रोडक्ट में से उसकी सेल में से आपने प्रॉफिट हटा दिया, उसकी FPC हटा दी, तो बचे हुए को ज्वाइंट कॉस्ट ही मानेंगे। अब जो आपकी टोटल आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है उसके अंदर अगर ध्यान दें, बोमेक्स का इस ज्वाइंट कॉस्ट में क्या हिस्सा रह गया होगा? देखो सर 180 की हमारी ज्वाइंट कॉस्ट टोटल है, 42 इसमें क्रोमेक्स को गई है, तो बाकी जी बोमेक्स के पास है, फिर उसकी FPC है बोमेक्स की, वो भी आप चेक कर सकते हो, तो उसका प्रॉफिट भी निकाल दिया गया। वेरी इजी क्वेश्चन सर, इस पे ज़्यादा बात ना ही करें। देन देयर इज अ रिकॉन्सिलेशन क्वेश्चन, बहुत ही पुराना स्टाइल का, और रिकॉन्सिलेशन अकाउंट पूछा हुआ, वो उसमें जरा स्टार्ट ठीक कर लेना कि किस तरफ से स्टार्ट करने को कहा गया है। एक बार पढ़ दूं क्या, और कोई कहानी आप इधर उधर की ना कर दो फिर, कोई जी कराया नहीं। देखो इन्होंने लिखा है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड डिस्क्लोज्ड नेट प्रॉफिट ऑफ दिस मच एज पर कोस्ट बुक्स, फाइनेंशियल बुक्स में नेट लॉस है, स्क्रूटनी बोथ सेट ऑफ बुक्स की गई, ये इन्फॉर्मेशन सामने आई। सवाल एंड हो गया, सवाल ये बोला ही नहीं कि किसको स्टार्टिंग लेके रिकनसाइल करो। इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट को बेस लिया, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही किया जाता, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट तक क्रेडिट कर लिया, रिकनसाइल करने लग गए, आंसर निकाल दिया प्रॉपर, नीचे लिख दिया ये क्वेश्चन नेट लॉस एज पर फाइनेंस को भी बेस लेके सॉल्व हो सकता था। तो आज हमने देखा कि पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक क्वेश्चन जो पहला पार्ट है 5 नंबर का, वहां बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कत हुई होगी, जो संभल गए होंगे थोड़ी तेज आई है, पहले रुक रुक के बॉलें आ रही थी, चक चक के आप मार रहे थे, तो भाई वहां दिक्कत हुई होगी, बाकी आगे बढ़ने का टाइम है। अरीबा प्राइवेट लिमिटेड हैज ए नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 36,000 यूनिट ऑफ टॉय, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन जी, 40 रुपये पर यूनिट, लेबर 30 रुपये, सब्जेक्ट टू मिनिमम 48,000 पर मंथ, ये आपके फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हैं, ये वेरिएबल हैं, फिर आपको सेमी वेरिएबल खर्चा दियो पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, फिर लिखो एडिशनल 46,800 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। इंस्टीट्यूट को इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग बना लिया इस बार, वो मैं जरूर डिस्कस कराऊंगा, वैसे जो हमारे वाला तरीका है उससे भी रिजल्ट सेम आना। एडमिन ओवरहेड कहता है इतने फिक्स्ड हैं, सेलिंग पर यूनिट इतना, ईच यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल से कुछ स्क्रैप आता जो 5 रुपये पर यूनिट पे बेचा जा रहा, स्क्रैप की एडजस्टमेंट रॉ मटेरियल में से ही कर दी जाए क्योंकि वो रॉ मटेरियल में से ही आता है, ऐसा लिखा। 2019 में फैक्ट्री 50% कैपेसिटी पे रही है पहले 3 महीने, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि बचे हुए 9 महीने में 80% कैपेसिटी पे काम करेगी। पहले 3 महीने में सेलिंग प्राइस 145 था, आपको कहा गया कि स्टेटमेंट बना दें
जिसमें ये सब दिखाए, फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर रिमेनिंग 9 अंश भी बताओ ताकि प्रॉफिट इतना हो जाए, ये सब आपको कहा गया। बेटा जी क्वेश्चन पुराना है, ये तो आपको मानना होगा, क्वेश्चन हम सब ने किया हुआ जहां भी पढ़े हैं हम। थोड़ी बेसिक वर्किंग मैं आपको दे दूं, देन आफ्टर दैट यू विल कैपिटलाइज ऑन इट। तो बेसिक वर्किंग की जब बात करते हैं सर, तो थोड़ा तो पहले यूनिट्स वगैरह कैसे निकालने हैं वो चेक करा दे बच्चों को, शायद इंस्टीट्यूट इतनी बेसिक वर्किंग यहाँ ना बनाए। चलो कोई बात नहीं, हम खुद ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ जी बेटा, तो पहले पढ़ते हैं ऊपर सर। 36,000 यूनिट की कैपेसिटी है हमारी। अब जो हम पहले 3 महीने 50% कैपेसिटी पे काम किए हैं, तो इट विल बी 36,000 इंटू 50% इंटू 3/12। मैं बच्चे को स्टार्ट तो मिले ना पहले, तो इससे आएंगे आपके 4500 यूनिट। ठीक है, अगले 9 महीने हमने प्लानिंग किया कि 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे, तो 36,000 इंटू 80% इंटू 9/12, वो आप देख सकते हैं 21,600 यूनिट, बिल्कुल सही है। अब इसमें आपने मटेरियल का खर्चा डाला है, मटेरियल का खर्चा आप देख सकते हैं भैया क्या रेट है बता दे जरा, 40 रुपये पर यूनिट रेट है भाई। और स्क्रैप की एडजस्टमेंट कर दियो, स्क्रैप कितना सर, 5 रुपये पर यूनिट स्क्रैप है, तो ये 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से ये है, ये भी 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, फिर स्क्रैप 5 रुपये के हिसाब से एडजस्ट हुआ होगा। देन वेजेस का मैं सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना बेटर समझूंगा। वेजेस में देखें जी, इन्होंने लिखा है कि इट इज़ 30 रुपये पर यूनिट सब्जेक्ट टू मिनिमम 48,000 पर मंथ। तो इसे हम क्या कहते थे सर, पीस वेज विद ग्रंटेड टाइम वेज, जैसे पीस वेजेस, फिर टाइम वेजेस, पे विच एवर इज हायर। नाउ डाटा 30 रुपीज पर यूनिट है बेटा, 30 रुपीज पर यूनिट, तो 4500 यूनिट है, इंटू 30 के हिसाब से 1,35,000 बनता। और जो टाइम वेज है वो 48,000 पर मंथ है, 3 महीने का 48 इंटू 3 करके 144 बनता। सेलेक्ट विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर सर, विच एवर इज हायर में सेलेक्ट होता 144। अगले वाले में जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ आउटपुट काफ़ी अच्छे लेवल पे है, वहाँ पीस वेज सेलेक्ट हो जाती होती थी। तो ये बारीकियाँ मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर हमारे जो फिक्स ओवरहेड होते थे वो टाइम के रेशियो में एलोकेट हो जाते थे, 3 महीने 9 महीने, 3 महीने 9 महीने, ये देखो। फिर जो हमारे वेरिएबल ओवरहेड्स हैं सर, वेरिएबल 10 रुपये पर यूनिट है, इनको सीधे निपटाओ। ठीक, अब क्वेश्चन का थीम ये होता है, मैं थोड़ा थीम पे भी आ जाऊं, कि पहले 3 महीने वो 145 रुपये पे माल बेच चुके हैं, अब उन्हें पूरे साल में कुछ प्रॉफिट कमाना है आपको, ये प्रॉफिट कमाना है टोटल। तो इसको सॉल्व कैसे करते थे, कि पहले इतना प्रॉफिट का टारगेट देख लिया कि ये 12 महीने में कमाना है, जो पहले 3 महीने में कमा लिया वो माइनस कर देते थे इसमें से। याद है आपको, पहले 3 महीने में जो भी कमा लिया वो इसमें से माइनस कर दो, बचा हुआ बेटा जी टारगेट फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स होगा। इसमें एक पॉइंट आपको तंग करने के लिए यहाँ आएगा, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, और खास तौर पे द सॉल्यूशन जिस तरह आईसीआई ने आप बना दिया, 1,08,000 रुपये पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, एडिशनल 46,800 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। तो इसका ट्रीटमेंट इन्होंने यहाँ दिखाया भी है बेटा, अगर आप ये देखें जी वेजेस वगैरह जैसे हम बात कर रहे थे, तो पहले जो हमारे 3 महीने हैं उसके तो सेमी वेरिएबल बिल्कुल अच्छे समझ आ जाते हैं, कि 1,08,000 है 50% कैपेसिटी तक तो पूरे साल के, तो यहाँ तो अभी हम 3 महीने की बात ही करेंगे, तो 27,000 रुपये समझ आ जाते हैं। अब आगे जो इन्होंने किया, अभी मैं ज़्यादा ये वाला मेथड प्रेफर सा नहीं करता जिस तरह ये कर रहे हैं, हमारा जो करने का तरीका होता था हम उस पर चलते हैं, हम देखते हैं कि सेमी वेरिएबल इतना लिखा, हम अपने तरीके से देखते हैं कि क्या आता। तो सर हमारे करने वाले तरीके में क्या था, हम ऐसे लेके चलते थे कि 50% तक 1,08,000, फिर उसके बाद ये 20% कैपेसिटी बढ़ेगी तो 46,800 बढ़ जाएगा, पर मुझे तो 80% कैपेसिटी पे आना है। तो इसने लिखा कि 46,800 बढ़ेगा फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। इसको यार आप ऐसे पढ़ोगे ना कि 20% कैपेसिटी बढ़ती है तो 46,800 बढ़ता है,
और अगर थोड़ी भी कैपेसिटी बढ़े जैसे 2% 3% तो भी इतना ही बढ़ता है, क्योंकि अभी तो मैं 70% पे हूँ तो मुझे एक जंप और लगानी है 80% पे जाने के लिए, चाहे मैं 10% ही बढ़ा रहा हूँ खर्चा तो इतना ही बढ़ना चाहिए। यस सर। तो टोटल क्या बनेगा सर? 46,800 इंटू 2 कर लें, प्लस कर दें उसमें 1,08,000 को, दिस इज 201,600। ठीक है जी, ये मेरे पास टोटल दिखाई दे रहा। अब 201,600 को अगर हम 9/12 करें, दिस इज डिवाइड बाय 12 इंटू 9, ये टोटल आता 151,200। आईसीआई आंसर में चेक करें कितना लिखा है, सर इतना ही लिखा, पर जो उसके काम करने का तरीका वो बिल्कुल अलग है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मेरे को इसको ऐसे ही रखना। देन आफ्टर दैट क्या होता, एडमिन ओवरहेड्स दिए हुए हैं, एडमिन ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं पूरे साल के और फिक्स्ड हैं, तो 3 महीने के यहाँ लिख लिए गए हैं, बाकी 9 महीने के वहाँ लिख लिए गए हैं। अब पहले 3 महीने आप एक खर्चा रह गया। सेलिंग ओवरहेड 8 रुपये पर यूनिट है, सर ये पर यूनिट है तो यूनिट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए जाएंगे, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, 9 महीने की और 3 महीने की कॉस्ट शीट तैयार। अब भैया वो भी तो करके दिखाना कि आगे जड़ी कहानी बानी है भाई। अब आगे ही कहानी इन्होंने थोड़ी जिस तरह खेली है, मैं अगेन वहाँ से थोड़ा डिससेटिस्फाइड रहूँगा। इन्होंने जी पूरी कॉस्ट उठाई जी, 3 महीने 12 महीने, आपको किसी को अच्छा भी लग सकता है ऐसी बात नहीं है, 3 महीने और 9 महीने 12 महीने की कॉस्ट लगाई, प्रॉफिट ऐड कर दिया, कह रहे जी टोटल इतनी सेल करनी। अब पहले 3 महीने में इतनी सेल हो चुकी है 145 के रेट पे, तो बाकी की सेल हमें करनी है बचे हुए 9 महीने में, जिसमें आउटपुट इतना है अपने पास, तो ये रेट होगा। सर ऐसे भी ठीक है, गलत थोड़ना है यार, ये गलत कैसे कह दें हम इसे, पर हम ऐसे निकाल लेते थे क्लास में कि पहले 3 महीने 4500 यूनिट इस रेट पे हमने बेच दिए, यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो, फिर 12 महीने के प्रॉफिट में से ये पहले 3 महीने का प्रॉफिट जो अर्न हो गया डिडक्ट कर दो, फिर बाकी का प्रॉफिट यहाँ टारगेट में ऐड कर दो, फिर उसे यूनिट से डिवाइड कर दो, तब भी सेम ही आता था। बट अच्छा लगता है देख के क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, बढ़िया है जी, तो बच्चे कर सकते हैं मैनेज। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन जी प्रोसेस का सवाल है और इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोसेस नॉर्मली इजी क्वेश्चन नहीं लाता, पढ़ लेते हैं फिर भी। केटी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट ईएमएम व्हिच पासेस थ्रू टू प्रोसेसेस बिफोर इट इज कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू एफजी, कॉलिंग डाटा रिलेट टू द मई, प्रोसेस ए प्रोसेस बी एंड एफजी, ओपनिंग स्टॉक मटीरियल वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड क्लोजिंग स्टॉक और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग, मतलब ओपनिंग में कितना इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है ये भी बता रखा है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए इज ट्रांसफर टू प्रोसेस बी 25% प्रॉफिट ऑन टीपी, 25% ऑन टीपी तो मतलब कॉस्ट पे 1/3। आउटपुट ऑफ बी इज ट्रांसफर टू एफजी एट 20% प्रॉफिट ऑन टीपी, 20% ऑन टीपी मतलब कॉस्ट पे 1/4। स्टॉक प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करने हैं, एफजी ये रेट, तो बेटा बिल्कुल ही बेकार वाला सवाल है। हाँ कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है इस सवाल में, ये ध्यान में रखना होगा, 3-3 कॉलम वहाँ बनाए जाते हैं, जैसे पहला प्रोसेस है यहाँ कोई खास असर आपको नहीं दिखेगा, जैसे ओपनिंग स्टॉक लिखा गया तो पहले प्रोसेस में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि ये इनिशियल प्रोसेस है, प्रीवियस कोई प्रोसेस है नहीं जो इसे ट्रांसफ़र कर सके, इसका मटेरियल इसका लेबर जोड़ा गया, ये आ गई यहाँ की प्राइम कॉस्ट। अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया गया, अब ओवरहेड जुड़े गए, ओवरहेड जब जुड़ गए उसके बाद प्रोसेस कॉस्ट आई, उस पर मार्जिन 1/3 ऐड करके अगले प्रोसेस में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। अगला प्रोसेस भी मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, उसमें ओपनिंग स्टॉक कितना है उसको ब्रेक करके लिखना होगा, ओपनिंग स्टॉक 5500 है, 1000 इसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, हम इसे स्प्लिट करके लिखेंगे, फिर प्रोसेस से की ट्रांसफ़र एंट्री लेंगे, उसके बाद मटीरियल वेजेस होंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक को पहले अमाउंट को चेक करें, 2490 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसके दो दो हिस्से करने होंगे, कुछ इसमें से कॉस्ट है कुछ इसमें से प्रॉफिट है, वो हिस्से कैसे होंगे, 49,800 का टोटल है उसमें कॉस्ट 41,600 की है, तो अगर 1 रुपये का टोटल हो तो उसमें कॉस्ट इतनी होगी, ठीक है मेरी बात, तो 2490 का अगर टोटल हो तो उसमें कॉस्ट क्या होगी ये पता करना, तो इट विल बी 41,600 डिवाइड बाय 49,800 मल्टीप्लाई बाय 2490, सर दिस इज 2079.99, मतलब 2080 की कॉस्ट, बाकी आपका प्रॉफिट। नाउ दिस इज द प्राइम कॉस्ट, एड ओवरहेड्स,
देन 25% मार्जिन यहाँ लेके ट्रांसफर करें, क्योंकि यहाँ 20% ऑन टीपी था तो कॉस्ट हुए 25। इसी तरीके से फिर आप एफजी अकाउंट में जाएंगे और ये सारी चीज़ें करते जाएंगे। अब अगला सवाल जी, मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लग रहा है वहाँ पे, तो आप ध्यान रहे। कहते हैं जी गैंग ऑफ वर्कर, गैंग हाँ वो गुंडों वाली गैंग नहीं है बेटा, वर्कर वाली गैंग है, ध्यान से। गैंग ऑफ वर्कर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 30 स्किल्ड, 15 सेमी स्किल्ड एंड 10 अनस्किल्ड वर्कर। दे आर पेड एट ए स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्किल्ड इतना, सेमी स्किल्ड इतना, अनस्किल्ड इतना, तो ये इनका स्टैंडर्ड रेट है। इन अ नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर्स गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट। फ्लैट क्वेश्चन जी, जिसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आती है, और जिसको नहीं आती मैं बार बार कहता हूँ यार, सारी वीडियोज फ्री में डली हुई हैं, चैनल को देखो अच्छे से, जो कंटेंट है इस चैनल में ना बेटा वो और किसी के पास नहीं है। हमारे पास फालतू की वीडियोस नहीं है आपको एंटरटेन करने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए, वो नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। तो भैया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेबर का पूरा ये क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व कर रखा। अब ये मार्च में गैंग को बदल दिया गया है, एक्चुअल रेट क्या है वो भी बताया हुआ है, 4 घंटे लॉस ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। प्लीज़ रेफर टू द वीडियो ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर इसके डिटेल्ड आंसर आपको सीखने हैं कि कैसे होते हैं, उसमें फिगर अलग होंगी, सारा कॉन्सेप्ट समझा रखा हमने। तो भाई ये 10 नंबर अपने से जो पढ़े हुए हैं या और भी जो नॉर्मली भी पढ़े हैं, सिलेबस किया पूरा जहाँ भी किया, तो उनकी जेब में बिल्कुल जाने बनते थे। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। MNO लिमिटेड मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ इक्विपमेंट ए एंड बी एंड अब्सॉर्ब ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर। बस्टेड ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर आर्स इतने इतने हैं। इन्फॉर्मेशन, बस्टेड प्रोडक्शन वॉल्यूम, मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड 15 लाख कैन बी, ओहो एक्टिविटी में जाएगा बेटा। वैसे एक बात है बेटा, जो सीरीज में आप नोट कर रहे होंगे, जो ओवरहेड का पहला चैप्टर है बड़े वाला, क्योंकि मैं तो ओवरहेड ही गिनता हूँ ना ABC को भी, कि ABC इज द मॉडर्न टेक्निक, एक वो ट्रेडिशनल है। ABC आने से वो काफ़ी साइडलाइन हो गया है, ABC के सवाल ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। अब 15 लाख के ओवरहेड्स जिहड़े ट्रेडिशनल दिए हुए थे ऊपर, उनके 3 हिस्से कर दिए गए हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। दीज एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस्ड, मशीन आर्स, इंस्पेक्शन आर्स, ये सब रेलेवेंट डाटा उनका भी दे दिया गया सर। पूरी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाली फील है। क्या क्या पूछता है ये देख लो। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग अब्सॉर्प्शन अज्यूमिंग बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अटेंड। फिर कहता है कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लो, फिर एक और स्टेटमेंट बनाओ ABC के अकॉर्डिंग, फिर सेलिंग प्राइसेस आर बेस्ड हेवीली ऑन कॉस्ट बाय यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आर्स एज ए एप्लीकेशन बेस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट डिस्टॉर्शन अंडर कॉस्टेड या ओवर कॉस्टेड, ये भी बताएं। ये वाला मैं जरूर डिस्कस कराऊंगा, क्योंकि ये ABC है, ये नई चीज है, ठीक है बेटा। वैसे तो हमने इसकी CA फाइनल लेवल तक की भी असाइनमेंट करवाई है आपको, बट स्टिल इट इज टू बी डन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो यार बहुत कर रखा होता। अब ये देखें, पहले जब उन्होंने पहला पार्ट रखा कि भाई ये सॉल्व करो, जहां उन्होंने मटीरियल लेबर ये सब लिखा सर, पहले पार्ट में तो ये होगा कि ये 15 लाख डिवाइड बाय 25,000 कर लो, एक अब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा, उस पर ओवरहेड अब्जॉर्ब करते रहना, कोई दिक्कत आपको होने नहीं वाली। यही आप यहाँ देखने वाले हैं, ये देखो मटेरियल आ गया, लेबर कॉस्ट आ गई, डायरेक्टली कॉपीड, कॉपीड सर, ये ओवरहेड रेट आ गया 60 रुपी पर आर। अब आप ये देख लो पहले वाले में लेबर आर कितने हैं सर, 3 घंटे इंटू 60 कर दो 180, 4 घंटे इंटू 60 कर दो 240। फिर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, फिर उन्होंने क्या किया कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, मशीन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये सारे इनके कॉस्ट ड्राइवर रख के ड्राइवर रेट निकाल दिए। अब यहाँ से क्या रहेगा इनको, अब कैसे कैसे प्रोडक्ट वाइज करेंगे सर, बहुत ज़्यादा आसान है यार, ये देखो ना प्रोडक्ट वाइज ही तो दिए हुए जिससे कर रहे हो, तो चाहे सीधा रेशो में बांट दो तो भी आ जाएगा, जैसे इंस्टीट्यूट लगा हुआ, ये ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा इस रेशो में बांट दिया, मशीन का इसमें बांट दिया, ये आ गए इनके ओवरहेड। अब ओवरहेड को उसके बाद पर यूनिट कर दिया, फिर पर यूनिट करने के बाद ऊपर की प्राइम कॉस्ट में जोड़ दिया, ठीक है बात, 2 पार्ट हो गए आपके। अब कॉस्ट डिस्टॉर्शन जो हो रही है वो बता रहा सर, देखिए अगर तो आप पुराने मेथड से चलते हैं तो इसकी 890 कॉस्ट आती है, जबकि इसकी सही कॉस्ट इतनी है, तो यहाँ अंडर कॉस्टिंग हो रही थी, ये 1120 रिपोर्ट हो रहा था और इसकी कॉस्ट इतनी है, यहाँ ओवर कॉस्टिंग हो रही थी, कोई ज़्यादा खास नहीं, वो भी सिर्फ प्लस माइनस डिफरेंस ही निकाल रहा।
अगला सवाल जी सर्विस कॉस्टिंग की तरफ से दिखाई दे रहा है, वहां लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स टू रीजनल डीलर यूजिंग अ सिंगल लॉरी, डीलर प्रमाइसेस आर 40 किलोमीटर अवे बाय रोड, कैपेसिटी ऑफ द लॉरी इज 10 टन, लॉरी मेक्स ट्वाइस अ डे फुली लोडेड, मेक्स जर्नी ट्वाइस अ डे फुली लोडेड ऑन आउटवर्ड, एम्प्टी ऑन रिटर्न। अब डीजल कंजम्पशन दे रखी है 8 किलोमीटर पर लीटर, 8 की एवरेज, 60 रुपए लीटर डीजल है, बाकी खर्चे खुर्चे सारे दिए हों, बट ड्राइवर ड्रूवर वाला सारा खर्चा नीचे, टायर टोर का खर्चा भी नीचे, तो भाई मेरा नहीं ख्याल इसमें मेरी कोई ज़रूरत पड़नी है, ये चीज़ें आप लोगों को आती होती हैं। रनिंग और फिक्स कॉस्ट में स्प्लिट करके दिखाना, एक बार थोड़े से आंसर से गो थ्रू हो जाते हैं कि भाई क्या वहाँ दिखाया गया। हाँ जी सर पहुँच गए, हाँ जी सर बस पहुँचने वाले हैं, थोड़ा वेट करें। पहले तो वही उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल टूर निकाला है, फिर टन किलोमीटर पता कर लिए हैं, फिर उसके अंदर जी इन्होंने अपना जो खर्चा खुर्चा वो यहाँ डाल दिया। इस बार देखो सही लाइन पे आ गए, ड्राइवर की जो टाइम के हिसाब से पेमेंट थी फिक्स्ड ही मानी है, अब उसको रनिंग रूटिंग में नहीं लिखा, ये ऐसे करते रहते हैं बेटा, आप कन्फ्यूज ना हुआ करो बस, ठीक है जी। तो ये टन किलोमीटर वगैरह सब आप ही देखेंगे। अब मटेरियल के चैप्टर की वेट हो रही थी, क्योंकि मटेरियल जिस तरह आपको पता है कि भाई आना ही होता क्वेश्चन इसमें से, ईओ क्यू तो अभी तक दिखा नहीं था, ये लो जी अब ये वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीट पे 10 नंबर का सवाल डाल दिया गया। द डिटेल और सीट एंड इश्यू ऑफ मटेरियल सी एक्स सी इन मैनुफैक्चरिंग कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 19, परचेज इशू रिटर्न टू सप्लायर आउट ऑफ द परचेज मेड ऑन 15 अप्रैल, ध्यान रखना फिर, ऐसा एक सवाल मॉड्यूल में भी है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 30 अप्रैल इट वॉज फाउंड की 50 kg ऑफ द मटीरियल CXE was fraudulently misappropriated by store assistant. तो आपका स्टोर असिस्टेंट ये मटीरियल चोरी करके ले गया है और वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा, तो इसको आपको एबनॉर्मल लॉस मानना पड़ेगा बेटा, नेवर रिकवर्ड बाय द कंपनी। तो हमें अब स्टोर लेजर बनाना है, वेटेड एवरेज मेथड और लिफो मेथड में पूछा गया है, वट वुड बी द वैल्यू ऑफ द मटीरियल कंज्यूम्ड एंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर दीज वट। सर गिफ्ट है, गिफ्ट सीरियसली बता रहा हूँ, 10 नंबर में तो गिफ्ट ही कहेंगे इसे। आओ जी एक बार गो थ्रू हो जाए। इंस्टीट्यूट ने वही रिसीट इशू बैलेंस लिख दिए, कोई GRMR कॉलम नहीं, कह रहे बेटा ये तो तुम्हें आते होता आप पे देख लेना। तो आप ये देख रहे होंगे कि भाई जिस तरह वेटेड एवरेज में भी इन्होंने रेट का कॉलम बनाया हुआ, नॉर्मली हम नहीं बनाते होते, चलो इन्होंने बना दिया बहुत अच्छी बात है, वेटेड एवरेज डिस्प्ले होती रहेगी वहाँ हर वक्त, अच्छी बात है। देन उसके बाद जी इशू हो रहे हैं, ये 1500 उठाया। अब बेटा यहाँ ना मेरे को थोड़ा या जो मेरे को समझाना है, ये रिटर्न किस दिन हो रहा था भाई, एक बार मुझे वापस ले चलो। रिटर्न हो रहा था 25 अप्रैल को, 15 अप्रैल की परचेज में से 300 यूनिट, तो ये आया जी 25 अप्रैल 300 यूनिट, जो 15 अप्रैल को परचेज हुआ था उसी रेट के हिसाब से वापस होगा, ये ध्यान रख लेना। वैल्यू क्वांटिटी में से डिलीट होगी, क्वांटिटी की टोटल में से डिलीट होगा 5400 रुपये, 5400 बस, अब कोई डर नहीं। अब एंड में जाके एक चोरी करवानी है आपने 30 अप्रैल को, मिस अप्रोप्रिएट कर गया असिस्टेंट, तो जो उस दिन की एवरेज चल रही है उस हिसाब से उसे वैल्यू कर दिया गया, बस बात खत्म है, अब नॉर्मल लॉस है। यही चीज़ लिफो में करेंगे तो लिफो के हिसाब से कॉस्ट साइन हो जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कोई दिक्कत हो सकती है। लिफो में भी ध्यान रखें जो 300 यूनिट वापस हो रहे हैं स्पेसिफिकली 18 पे ही वैल्यू होने हैं, चाहे जैसे मर्जी हिसाब वहां लगाया जाए, तो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। 1500 पहले आएंगे, मैं क्या एक बार गो थ्रू करा दूं लिफो को, 1200 लिफो होने के कारण इशू हो जाएंगे, 300 उसमें से वापस होंगे, लिफो वाला भी ईजी लग रहा है। फिर ये कहता है बेटा आप ये बताओ वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक क्या बनती है इन मेथड के अकॉर्डिंग। सर इसमें इन्होंने क्या किया कि कंजम्पशन निकालने के लिए ओपनिंग उठाया, परचेज उठाई, सप्लायर को जो रिटर्न की गई वो माइनस कर दी, वेरी गुड, अब नॉर्मल लॉस माइनस कर दिया, बहुत अच्छे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू माइनस कर दी एज पर मेथड, बचा हुआ आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। आप में से कई बड़े शातिर होते, तेज होते, वो आप कंजम्पशन वहां से भी निकाल सकते हैं जहां इशू हुआ हुआ है, पर यहाँ वहां ये याद रखना कि जो रिटर्न हुआ हुआ है वो भी इशू वाले कॉलम में दिखेगा, दैट इज नॉट द कंजम्पशन, बट याद ये रखें। और फिर जो ये चोरी वगैरह हो गया है वो भी वहां दिखेगा, वो भी कंजम्पशन नहीं है, तो उन चीजों का ध्यान रखते हुए करें अगर उस मेथड से करते हैं। वैसे तो ये मेथड ज्यादा प्रेजेंटेबल और अच्छा है दिखाई देने में लग रहा है। और आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है जी, अब वो सवाल ज़्यादातर सीपी के चैप्टर की तरफ जाएंगे, उसमें से सवाल अभी यहाँ हुए नहीं है इस अटेम्प्ट में।
तो देखते हैं जी क्या बात लिखी गई है। तकरीबन तकरीबन जिस तरह हम प्रैक्टिकल में बात करें तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस सीरीज में पहुंच चुके हैं। इस मैच का लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। मैसव गौरव प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल टू प्रोडक्ट ब्लैक एंड वाइट इस सेलिंग प्राइस पे। द फॉलोइंग स्टेल स्ट्रेटजी हैज बीन आउटलाइंड फॉर 1920। इस सवाल दिक्कत दे सकता है जो आपने ध्यान से ना समझा। सेल प्लान विल बी 81 लाख इन केस ऑफ ब्लैक, 54 लाख इन केस ऑफ वाइट। ठीक, बिल्कुल सही। सेलिंग प्राइस ऑफ द ब्लैक विल बी रिड्यूस्ड बाय 10% एंड वाइट बाय 20%, ऐसा बोला। ब्रेक इवन इज प्लान एट 70% ऑफ द टोटल सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट। ब्रेक इवन इसके 70% पे होंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर टू बी मेंटेन्ड दिस मच इन केस ऑफ ब्लैक एंड दिस मच इन केस ऑफ वाइट। दिस वुड बी पॉसिबल बाय रिड्यूसिंग the present annual fixed cost of 42 lakh allocated as 22 lakh to black and 20 lakh to white. No doubt, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है आगे के लिए भी। अब कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड ऑफ ब्लैक एंड वाइट टू बी ब्रेक इवन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट जो कहता है जी आपको चाहिए होगी डिजायर्ड प्रॉफिट लाने के लिए। तो पांच नंबर का था, पांच नंबर के हिसाब से तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कोई भी फंस सकता है इसमें, सच बता रहा हूँ। नंबर ऑफ यूनिट ब्रेक इवन के लिए कहता जी बताओ। ब्रेक इवन इज 70% ऑफ द टोटल सेल ऑफ ईच प्रोडक्ट। ब्रेक इवन के लिए बंदा कहता है कि सर ये तो लिखा ही हुआ है, फिर सर आप एक मिनट देखें कैसे इंस्टीट्यूट ने समझाया, फिर मैं भी समझाने की कोशिश करूं। देखें जी इंस्टीट्यूट ने ये दिखा कि ये सेल प्लान इतनी है, सेलिंग प्राइस इतना, सेल प्लान लिख दिया, सेलिंग प्राइस 20 रुपये और 30 रुपये ऊपर है, पर जो सेल स्ट्रेटेजी है इसमें लिखा होगी सेलिंग प्राइस आपको ब्लैक वाले का 10% कम करना पड़ेगा और वाइट वाले का कितना बेटा, कितना बेटा 20%। तो 20% कम करके ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस, ऐसे डिवाइड करके, सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके नंबर ऑफ यूनिट आ गए, नंबर ऑफ यूनिट आ गए। अब इन्होंने क्या किया कि आपकी ब्रेक इवन सेल निकाल दी इन टर्म्स ऑफ यूनिट 70% करके इन यूनिट्स का, और जो ये वाले यूनिट है उसका भी 70, फिर ब्रेक इवन सेल 70% ऑफ टोटल सेल में भी निकाल दी। तो अगर आप देखें 81 लाख की सेल थी उधर 70% करते ही ब्रेक इवन सेल की फीलिंग तो वहीं आ रही थी, और इसका 70% करते भी, ये तो सर थोड़ा यूनिट्स के ले जाने के चक्कर में आंसर ऐसा हुआ। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आप अपने आप पहले अटेम्प्ट करते हैं ना तो ये गलत हो सकता है, कई बार सोच ये नहीं बनती जितने इजीली यहाँ हो रहा है। अब इन्होंने पूछा कि फिक्स कॉस्ट जो प्रोडक्ट वाइज है उसमें अमाउंट ऑफ रिडक्शन कितनी करनी पड़ेगी अगर ये प्रॉफिट लाना है। देखें जी इस पर इन्होंने क्या गेम खेल दी। इन्होंने लिखा प्रॉफिट टू बी मेंटेन्ड इतना, ठीक है बात। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 70% ऑफ द सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 70% ऑफ द सेल। सर ये कैसे, सर अगर आप बहुत ध्यान से देखें ब्रेक इवन आपका 70% ऑफ द टोटल सेल पे है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 70% कैसे हो जाएगा, ना ये 70% वाली यहाँ कोई बात है। सर यहाँ करना होगा 30%, क्योंकि इतना बच्चा बच्चा जानता है कि अगर ब्रेक इवन 70% है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30। ये इतनी सेल को मैं 30% सेल को मान लेता हूँ, 81 लाख का 30% करता हूँ, ये मेरी MOS सेल में मान लेता हूँ, और दूसरे वाले केस में 54 लाख का 30% करता हूँ, ये भी मान लेता हूँ। अब भाई आपसे करवा क्या रहे हैं, भाई पीवी रेशियो निकलवा रहे हैं आपसे, कह रहे कि बेटा इतना तेरे को प्रॉफिट मेंटेन करना। मैं दोबारा आपको बता दूँ प्रॉफिट नीचे दिया हो जो मेंटेन करना, तो तेरी पीवी रेशियो कैसे आएगी। सर देखो ऐसा होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो इज MOS सेल, याद है ऐसा कुछ। नाउ इज डूइंग व्हाट, ये आपको प्रॉफिट अपॉन MOS से पीवी तक पहुंचा रहा है। और मेरे जो CVP के अगर आप देखें 4-5 घंटे के लेक्चर अपलोडेड है, उसके अंदर आप ये सारे कॉन्सेप्ट अपने एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो हमने बड़े डिटेल में समझाया हुआ कि प्रॉफिट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ MOS सेल। तो अगर आप किसी कॉन्ट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड कर देते हैं तो आपको उससे पीवी रेशियो ही मिलनी है बेटा, और क्या मिलना है सोचो जरा। क्योंकि ये इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं थी, ये पीवी रेशियो तो आपकी आ गई है 34% और 46%। अब इन लोगों ने क्या किया, जो पूरी सेल है
मतलब कि जैसे 81 लाख की सेल है उस पर 34% लगाया, ये कह रहे हैं कि बेटा इतना आ रहा है हमारे पास पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन, और दूसरे वाली 54 लाख की सेल है उसके ऊपर 46% लगाया। चाहे चेक भी करें एक बार जरा, 54 लाख की सेल पे अगर हम 46% लगाते हैं तो कैलकुलेटर दिखाता है 24 लाख 84,000। अब हमें जो प्रॉफिट मेंटेन करना है वो हमने यहाँ हटा लिया, हमारी फिक्स कॉस्ट के लिए जगह ये बचती है कि हम इससे ज़्यादा फिक्स कॉस्ट नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो प्रेजेंट जो फिक्स कॉस्ट है, जो प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट है भैया, वो हमारी है 22 लाख रुपए और 20 लाख रुपए। दोनों प्रोडक्ट में ही फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा अगर आपने अपने ये डिज़ायर इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पूरे करने हैं। तो ये ना अच्छे वाला क्वेश्चन, मैं तो यही कहूँगा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार ऐसे सवाल में। देन उसके बाद जी सवाल आया जाइना प्राइवेट लिमिटेड वाला, जिसमें उन्होंने एक मशीन खरीदी है जिसकी इतनी सैलवेज है, 15 साल चलेगी मशीन, 4500 आवर्स एक्सपेक्टेड टू रन, बट इट इज एस्टिमेटेड 300 घंटे नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस। डिलीट मार देना रिपेयर मेंटेनेंस वाले, रिपेयर मेंटेनेंस पूरी लाइफ में इतनी होगी, इंश्योरेंस प्रीमियम इतना, ऑयल लुब्रिकेंट बेकार है अभी तक तो, ऑपरेटर 1/3 टाइम, ये आपने अपने आप देखना, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट निकालना, गो थ्रू अगर होना है वैसे देख लेते हैं आंसर को, नॉर्मल सही है भैया, कुछ खास नहीं कर रखा तो तुम कर लोगे ठीक है। और देखें जी, फिर आगे कॉन्ट्रैक्ट का सवाल डाला गया, ये भी 10 नंबर, शाबाश 10 नंबर, और ये कितने का था पिछला 5 नंबर, चलो फिर तो ठीक है, मतलब अगर ना आता हो तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ वहाँ। अब कॉन्ट्रैक्ट ठीक है जी, इसमें मटेरियल ये वो, जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रही है बात, ये वही केस हो जाना, अनसर्टिफाइड वैल्यू करो, 2/3 कंप्लीट है, सर्टिफिकेट मिला 50% का, तो भैया ये भी रोज की बात है, अनसर्टिफाइड वैल्यू करने वाला सवाल आपको करवा रखा है, पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं। इस अटेम्प्ट की थ्योरी भी काफ़ी आसान थी तो बंदा वो भी कर सकता था। अब यहाँ मैं एक एनालिसिस जरूर देना चाहूँगा कि भैया जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी थे, जिस तरह मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 30 से 40 से 50 नंबर का पेपर बड़ा फ्लैट आएगा, और उसे करने में अपना चाहे आधा से ज़्यादा टाइम लगा दो, 1.5 घंटा 1.25 घंटे लगा दो, 40-50 नंबर सजा दो, बस तुम्हारे से अच्छा कोई और कर ना पाए, याद ये रखें। तो आओ इस पेपर में दिल कर रहा है कि उसे ढूंढें, क्योंकि भाई इसमें ना फिर भी थोड़ा बहुत लगा कि भाई जहाँ बच्चों ने टाइम वेस्ट कर देने हैं किस तरह मैनेज करें। देखो पहला क्वेश्चन तो वो नहीं है, ये 5 नंबर का पेपर यहाँ डेफिनेटली बहुत ईजी वाली कैटेगरी में जाएगा ही जाएगा, अगला 5 नंबर का क्वेश्चन भी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इट इज़ कवर्ड इन एवरी टीचर्स असाइनमेंट, अगला 5 का भी जाएगा, 15 हो गए बेटा अभी तक के जो बिल्कुल सीधे हैं। मुझे पता है 2 क्वेश्चन इधर उधर लग जाए, थोड़ा भी औखा लग जाए, कुछ नलायक पार्टियां डर जाती हैं। अगर तो आप सीरियस तैयारी करके जा रहे हैं तो मैं ये पहला जो सेकंड क्वेश्चन है ये कोर्स शीट के पहले चैप्टर में ही आपको करा देता हूँ, तो 10 नंबर और आ गए आपके, 25 नंबर का पेपर अब सीधा हो चुका। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बहुत ही बेकार रद्दी टॉपिक, बेसिकली कैलकुलेशंस करनी होती हैं, 10 नंबर और मिल चुके हैं सर, 35 नंबर का पेपर अभी तक सीधा लग चुका आउट ऑफ दी 40। टेंशन नहीं लेनी बेटा, पॉजिटिव रहना, एग्जाम आसपास है, टेंशन लोगे तो हार जाओगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आपको आती है तो देन दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, हमारी पहली इलस्ट्रेशन ये होती है, 35 + 10 कितना हो गया जी 45। एबीसी वाला सवाल डिपेंड करता है, आप अगर एबीसी टॉपिक जानते हैं तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन अगेन ईजी है। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, कई बच्चे सारे चैप्टर ही नहीं अच्छी तरह करके जाते, उसमें फिर जिम्मेवारी बेटा किसी की भी नहीं होती, टीचर क्या करे फिर उसमें, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना मेरी बात। देन दिस जो सर्विस वाला क्वेश्चन है अगेन ये इजी है 10 नंबर की कैटेगरी में, एवरीवेयर इट इज कवर्ड। मटेरियल वाला क्वेश्चन तो बेटा गिफ्ट है गिफ्ट। तो अगर आप रो पिट के बात करें, मतलब जैसे रोने की आदत होती है ना कहीं होगी, 5 नंबर का वो पहला सम, 5 नंबर का ये गौरव प्राइवेट लिमिटेड, ये मैं इसमें से बाहर रखता हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन देखे दिखाए पुराने घिसे पिटे थे। मैंने 40 या 50 ढूंढने गया था, 90 मिल रहे हैं मेरे को, देख रहे हो। और बाकी याद रखो असाइनमेंट में अभी और बहुत मटेरियल पड़ा है, जो भी अभी लगा नहीं है, पेंडिंग है लगना टफ वाला, तो प्रिपेयर्ड रहो, इन वीडियोस के एनालिसिस का पूरा फायदा उठाओ, ठीक है जी बेटा। ओके जी, क्लोज करते हैं एक्स्ट्रा इनिंग्स।